शिक्षा विभाग अधिकारियों के कोचिंग बंद करने पर भड़के छात्र छात्राओं ने सड़क जाम किया। छात्रों ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जब सरकार बिहार इलेक्शन के समय खूब खुलेआम कोविड 19 के नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी, क्या तब कोरोना वायरस नहीं था? और जब अब छात्र एग्जाम के 2 महीने रह जाने पर कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोचिंग पढ़ना चाह रहे हैं तो उन पर रोक लगाई जा रही है। इस तरह से छात्रों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। सरकार को इस पर कोई ठोस कदम उठाना होगा। इस तरह से छात्रों ने सड़क जाम कर सरकार विरोधी नारे लगाए। बात तो फैलाइएगा कि हम लोग जाम लगाए हैं, ठीक है? तो जाम लगाए हैं, क्या कारण है कि जाम लगाए हैं? जाम लगाने के एक कारण है कि हम लोग का पढ़ाई बंद हो रहा है, ठीक है? हम इलेक्शन कहीं ले लेते हैं, इलेक्शन हमारे इमामगंज प्रखंड के, मतलब इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से जमुना मैदान में देख लीजिए, कई नेता आए, भीड़ लाखों की संख्या में लगी, 10,000-15,000 की भीड़ लगी, उसमें कोरोना ही हुआ। अभी कोचिंग बंद करवा रहे हैं, इलेक्शन खत्म हुआ, अब कोरोना का चर्चा चलने लगा। इलेक्शन में कहीं पर कोई मीडिया वाले नहीं दिखा रहे थे कि कोरोना है, इलेक्शन खत्म हो गया ये मान ली है, ठीक है? कोचिंग बंद हो गया, अब कोचिंग बंद करवा रहे थे, बच्चा को जब फार्म भरवाएं 3,000 पैसा लिए। अच्छा, अगले साल क्या हुआ था कि बच्चा का रिजल्ट निकल गया मैट्रिक इंटर का, और उसके बाद फिर 2 महीना बाद पता चला कि सबके पास करा दी। अरे भैया, आप पास करवा दे रहे हैं, हम मान रहे हैं आपकी बात, तो सब सहमत हैं। मेरा एक पल के लिए, एक घंटा के लिए खुशी होगा कि हम बंद करवा दें कोचिंग की और पास करवा दें कोचिंग में, लेकिन कोचिंग पास हो गया, इंटर कर लिया, क्या सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं कि इंटर कर लें। अब जैसे हम जाएंगे नेवी का फॉर्म भरने, एयरफोर्स का फॉर्म भरने, डिफेंस लाइन में जाएंगे, इंडियन आर्मी में जाएंगे, तो फॉर्म भरेंगे तो परसेंटेज क्या खोजेगा, 75% परसेंटेज है। मैथ में 80 नंबर, फिजिक्स में 80 नंबर, आप बताइए पढ़वे नहीं किए हैं, आप तो सेकेंड नेवी 225 नंबर, 250 नंबर, 310 नंबर आप कर क्या है, किस लेवल जाम कर रहे हैं? जामा कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं होता है, अब पढ़े जाते हैं तो लड़का लोग निकलता है तो वीडियो बनता है। कौन वीडियो बनाता है? बनाता है हम लोग, और क्या, मतलब कोई आया था, ठीक है, कहीं कहाँ का था वो पता नहीं है। वीडियो आया थे, कौन आए थे? जेल था। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे थे? वीडियो बना रहा था लड़का लोग, कोचिंग बंद, कोचिंग बंद कर दिया, कोचिंग कहला बंद करता है, जब फॉर्म कहला भरवाया था, जब एग्जाम नहीं लेना था फॉर्म कहला भरवाया था। तो क्या मुख मांग किया आप लोग का? मांग क्या कि क्लास क्लास खोले, इलेक्शन हो, इलेक्शन में जब कोरोना नहीं धरा था, हम लोग पढ़े जाते थे कोरोना धरता है। नाम बता दीजिए। हंसु कुमारी। क्या है, किस में जाम कर रहे हैं? मेरा सुमन कुमारी नाम है। कौन सी क्लास में? 11। क्या है, किस से सड़क उतर करके जाम कर रहे हैं? क्या, किस से जाम कर रहे हैं यहाँ पर? हम चाहते हैं कि हमारा कोचिंग खुले और हम अच्छा से पढ़ाई कर पाए और अच्छा से दे सके। और कहना यही है कि जब इलेक्शन हो रहा था तब कुछ कोई कोरोना नहीं था, आज कोरोना क्यों है, कोरोना के हल्ला क्यों इतना करके हम लोग पढ़ाई रोका जा रहा है, बार बार हम लोग 6 महीने चाहिए। और कोचिंग संस्थान क्या है, किस लिए जाम कर रहे हैं? जाम किस लिए कर रहे हैं? क्लास कोचिंग में कोई आए थे छोटा पद सिंचा पदाधिकारी के, वही वीडियो कर रहे थे और बोले कि कोचिंग संस्थान बंद कर दिया था। तो हम लोग बोले कि नहीं सर, जो चुनाव में 5,000-10,000 आदमी आए तो उसमें बंद नहीं हुआ था, यहाँ पे क्यों होगा? हम लोग डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ रहे थे, मांगे जाएंगे कि मतलब कोचिंग संस्थान बंद, कोचिंग में सैनिटाइजर रखा हुआ, शिक्षा भी होना चाहिए, जिस तरह चुनाव हुआ उसी तरह से हम लोग का कोचिंग संस्थान भी चलना चाहिए, मांगे जाएंगे। मेन मुद्दा अभी तो अधिकारी को उठ करके भी आए हैं, अब समझाने के लिए रोड पर उतरे हुए हैं करीब 2 घंटा से। अधिकारी आए हुए हैं, बच्चा का जोश है, जुनून है, बच्चा के जब दुख होता है बच्चा के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए, बच्चा के साथ जब आप सौतेला व्यवहार कीजिएगा तो बच्चा को दुख पहुंचेगा। जब एक माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है तो माँ बच्चा रोता है ना, उसी प्रकार के आप बच्चा के साथ सौतेला व्यवहार कीजिए। जो कहते हैं कि बच्चा देश का भविष्य है, क्या बच्चा देश का विवेक है, खाक दिया है, बताइए क्या है, किस लेवल जाम कर रहे हैं? जी सर, हम लोग क्लास 12 का स्टूडेंट है सर, और भी क्लास का है यहाँ पे। मेरा नाम रामसी कुमार और मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, और हम लोग का 2 महीना बाद एग्जाम है फरवरी में सर, समझे?
और हम लोग के पास डीओ साहब आए थे और वो वीडियो बनाया, बोले कि आपसे कोचिंग बंद हो जाएगी, कोई पढ़ाई नहीं होगा। डीओ या वीडियो डीओ साहब और हम लोग कोचिंग का वीडियो बनाए, समझे सर, और वीडियो बनाकर वो बोलते हैं कि यहाँ पे आपसे कोचिंग संस्थान बंद हो जाएगी और जो बिना आदेश के कोचिंग खोलेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और स्टूडेंट लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोग को जेल भेजा दिया जाएगा अगर जो आप लोग नहीं मानिएगा तो। और हम लोग फिर भी सर मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए हम लोग अध्ययन कर रहे थे उस कोचिंग में सर, समझे सर। अगर जो बात की जाए कोचिंग बंद की जाती है तो कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है ट्वेल्थ के, आप स्टूडेंट से गुजर चुके हैं सर, आपको इस बात को जानकारी होगी, समझ पा रहे सर। और जब तक हम लोग को सर स्टूडेंट अध्ययन नहीं कर पाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे सर। फिजिक्स में हम लोग 500 रुपये देते हैं एक टीचर को, केमिस्ट्री के लिए 500 रुपये देते हैं सर, मैथ के लिए 500 रुपये देते हैं, हिंदी इंग्लिश का क्लास करते वहाँ पे 500 रुपये देते हैं सर। हम लोग का सर गार्जियन एक फैमिली से बिलोंग करता है सर, हम लोग कहाँ से पैसा ला पाएंगे आप ही बताइए सर। हम लोग पर रजिस्ट्रेशन में 2500 रुपये लगा है सर, फॉर्म से 2500 रुपये लगा है सर, आप एडमिशन के लिए 2500 रुपये लगा है सर। इस तरीका से हम लोग का पैसा बर्बाद हुआ सर, इन्वेस्ट हम लोग का क्या है, तो मांग क्या है, किसे जान कर हम लोग का मांग है सर, कोचिंग संस्थान चालू, एग्जाम का डेट बढ़ना चाहिए, एग्जाम का डेट समय पे ले।